आज का ये विज़िट है गौहर ग्रीन सिटी में 120 गज के एक वन यूनिट विला का, जिसको हमने मुकम्मल तौर पर रिनोवेट किया है। उसी के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे इसमें जो जो काम हुआ। आपने पहले देखी है वीडियोस कि गौहर ग्रीन सिटी में एक वन यूनिट विला नॉर्मल किस कंडीशन में होते हैं, और अब आप देखेंगे ये वीडियो जिसमें आप कंपेयर कर सकेंगे काम को। ये इस वन यूनिट की एलिवेशन है जो कि इस गली में बिल्कुल ही डिफरेंट है, और एलिवेशन पे इस्तेमाल किया गया है स्टोन्स का। ये नेचुरल स्टोन्स हैं जो दिखने में बेहद शानदार और चमकदार हैं, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारी है। क्या हुआ? उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेफ्टी के लिए ग्रिलिंग्स और फाइबर शीट्स का भी इसमें काम एलिवेशन पे किया गया है धूप से बचाव के लिए। तो अंदर दाखिल होते ही इस घर में आप देख सकते हैं ये कारपोच है इस घर का। सामने ग्रिलिंग के दरवाजे, ऊपर कारपोच में अगेन फाइबर शीट एंड मेटल फ्रेम, और इस पूरे घर का फ्लोर मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लोर पर इस्तेमाल किया गया है मार्बल का, जैसा कि आप देख सकते हैं, और दीवारों पर साइड में टाइल्स लगाई गई है। इस वक्त एक नॉर्मल और एक सिंपल वन यूनिट विला की प्राइस 1,45,000 से 50,00,000 रुपए चल रही है। उसके बाद कुछ फाइल ट्रांसफ़र के चार्जेस जो बिल्डर लेता है वो है, और घर पे अगर काम अच्छा हुआ है तो उसकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है। घर की लोकेशन के तौर पर, लोकेशन वाइज भी प्राइस डिफरेंट हो सकती है वन यूनिट विला की। 1,45,50,55,60 ये यहाँ की इस वक्त वन यूनिट की वैल्यू चल रही है लोकेशन और कंडीशन वाइज। तो ये एलिवेशन का आपको अच्छी तरह से हम जायज़ा करवा रहे हैं। अब चलते हैं घर के अंदर। अगेन फ्लोर्स पे आप देखें सेम वही मार्बल इस्तेमाल किया गया है जो कि कारपोच में था, तो पूरे घर के ऊपर नीचे फ्लोर्स पर यही मार्बल इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस घर में मुकम्मल रिनोवेशन अल खालिद एसोसिएट की जानिब से की गई है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम। ये टीवी लाउंज का एरिया है जिसमें सामने एलईडी यूनिट बनाया गया है। ऊपर जो सीढ़ियाँ जाती हैं इस पे ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। एसएस की रेलिंग, छत पर फॉल सीलिंग, उसके अलावा लाइटिंग। दूसरी जानिब से आपको दिखा रहे हैं, सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज एरिया बना दिया गया है, और सामने वॉल पे वॉलपेपर, काफ़ी शानदार इस घर को बनाया गया है माशाल्लाह से, और इस पर अच्छी मेहनत की गई है। एंट्रेंस के गेट के साथ ये ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम को देख लेते हैं इस वक्त, ये स्लाइडिंग डोर को क्रॉस करते हुए ये आ गया सामने ड्राइंग रूम। ये इस पे वॉलपेपर वर्क है, ऊपर फॉल सीलिंग और लाइटिंग। तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत इस घर पे सिर्फ और सिर्फ रिनोवेशन में आ गई है, जिसमें पूरे घर का फ्लोर जो है मार्बल से तब्दील कर दिया गया है। उसके अलावा टोटल इस घर की जो सीवरेज की लाइन थी उसे मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया, क्योंकि वो बिल्कुल ही डैमेज थी, बैठा हुआ था ये घर। उसके अलावा पेंट, फॉल सीलिंग, लाइटिंग, वॉलपेपर्स, डोर्स, ग्रिलिंग, फाइबर शेड, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, अलमारियां, सब काम इसमें किया गया है जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। किचन इसमें बनाया है, बेहद शानदार इसमें किचन बनाया है, बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन रखी है शीट्स की, ए क्वालिटी की शीट का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप अपने सामने देखते हैं स्क्रीन पर, ये हम विजिट कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का इस वक्त, और आपके सामने है इसका किचन।
इस शीट का जो कलर है वो ब्राउन कलर है और ग्लिटर शीट्स ये कहलाती हैं, जो कि चमकीली और चमकदार होती हैं, काफ़ी रिफ्लेक्ट करती हैं। ये एक डिटेल विज़िट है इस वन यूनिट का, जिसमें हम आपको बता रहे हैं जो जो काम अल खालिद एसोसिएट की जानिब से इसमें किया गया है। जैसा कि आपको बताया कि मुकम्मल रिनोवेशन इस घर में की गई है, जिसमें वुड वर्क, एसएस वर्क, मेटल वर्क, टाइल एंड मार्बल, फ्लोरिंग, पेंट, वॉलपेपर्स, सब कुछ इसमें शामिल है। तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत पर ये सारा काम हुआ है और इस सारे काम को सर अंजाम देने का जो वक्त लगा है तकरीबन 2.5 से 3 माह मैक्सिमम, क्योंकि बीच में कुछ मामलात और भी होते हैं, मसरूफियात और भी होती हैं, वरना तो टाइम लगता नहीं। और इसके अलावा सोसाइटी की जो टाइमिंग्स हैं उसका भी ख्याल रखते हुए हमने इसमें काम किया है। कितना शानदार किचन बनाया गया आप देख सकते हैं, फिनिशिंग तो लाजवाब है इसमें, फिनिशिंग के मुकाबले में हमारा कोई सानी नहीं। ग्रेनाइट मार्बल है, ए ग्रेड की शीट्स हैं, अच्छे से अच्छा इसमें इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है। देन बराबर में ये बेडरूम आ जाता है। अपने अपने रूम के मुताबिक थीम पर इसमें वॉलपेपर इंस्टॉल किए गए हैं, पेंट किया गया है, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिया गया है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सेम मार्बल ऊपर से नीचे तक सेम इसमें लगाया हुआ है और ये अलमारी की जगह थी जहाँ पे स्टोरेज एरिया बना दिया गया तोड़ फोड़ करके कुछ, तो एक पूरी वार्डरोब बना दी है यहाँ पर स्लाइडिंग डोर के साथ। ये इसका बाथरूम है जो कि ये भी रिनोवेट किया गया है, डब्ल्यूसी और कमोड दोनों यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, टाइल्स न्यू लगाए गए हैं और सारी इसकी लाइन चेंज कर दी गई है नीचे से सीवरेज की और न्यू सैनिटरीज में लगाई गई है। इसके अलावा जाली के दरवाज़े, गीज़र की फिटिंग, वॉशिंग एरिया में टाइल्स और ऊपर ग्रिलिंग फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो नीचे का सारा फ्लोर हमने आपको दिखाया और बहुत ही डिटेल में इसके बारे में आपको बताया, इसकी लागत बताई, क्या इसमें टाइम लगा वो भी आपको बताया। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा क्योंकि कुछ मामलात ऐसे थे बीच में, रमज़ान और ईद, ये सब उसी के दरमियान ये सारा काम हुआ। देन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे टेरेस है और लेफ्ट साइड पे ये दो बेडरूम है एंड अगेन ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क। तो बहुत ही सोबर मगर शानदार इसमें काम किया गया है और फैंसी काम किया गया है इस यूनिट के अंदर। हमने यहाँ पे माशाल्लाह से और भी बेतहाशा यूनिट्स रेडी किए हैं, फ्लैट्स रेडी किए हैं और बहुत ही टाइम से हम यहाँ गौरगन सिटी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा डीएचए में स्कीम 33, स्कीम 45 में शाराए फैसल पर, तारिक रोड पर फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स में भी हम काम कर रहे हैं और कर चुके हैं और इसके अलावा कराची के बाहर भी, इस्लामाबाद डीएचए में, कराची डीएचए में, बहरिया टाउन में भी हम अपना काम सर अंजाम दे चुके हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आप वाकिफ़ होंगे इस बात से, हमारे फेसबुक चैनल पर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको दिखाई और बताई जाती हैं, रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से।
ये ऊपर बेडरूम अगेन अलमारियाँ, वुडवर्क आपको सब बताया, फॉल सीलिंग, अल खालिद एसोसिएट की जानिब से सारा काम किया गया है। वही बात है कि जितना गुड़ आप डालेंगे उतना ही मीठा आप हासिल करेंगे। काम बेहतरीन से बेहतरीन भी हो सकता है, मटेरियल, टाइम और अमाउंट पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। देन इसमें वैनिटी बनाई गई है ऊपर के जो बाथरूम्स हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे जो बिल्डर के दिए वन यूनिट मिला है उनको इस घर से, तो आप बहुत ही बड़ा डिफरेंस इसमें पाएंगे कि किस तरह से इसको हमने रेनोवेट किया है, टोटली चेंज करके रख दिया। बिल्डर ने जिस वक्त पर ये घर दिए और जिस प्राइस में दिए उसके हिसाब से उसने सही काम करके दिया था, बट इस वक्त इनकी वैल्यू भी काफ़ी बढ़ चुकी है और एक एक चीज़ महंगी हो चुकी है और मज़ीद महंगी होती जा रही है वक्त के साथ साथ। स्पेशली कराची जैसे शहर में देन ये फर्स्ट फ्लोर का दूसरा बेडरूम है, आप देख सकते हैं सब बेडरूम्स में अलग अलग थीम दिया गया है, उसके मुताबिक ही पेंट और फॉल सीलिंग वॉलपेपर इसमें काम किया है। और छोटी मोटी खूबसूरती के लिए वॉल्स पर शेल्स वगैरह भी लगाई गई है। ये तीसरा बाथरूम जिसमें वैनिटी बनाई गई है, बेडरूम के बाद फिर हम टेरेस में आते हैं। टेरेस में भी आप देख सकते हैं कि मार्बल स्कर्टिंग और ऊपर छत पर जाने के लिए मेटल की सीढ़ियाँ दी हुई हैं, मेटल फाइबर और ग्रिलिंग वर्क इसमें भरपूर है। और एलिवेशन को मेंटेन रखते हुए स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप कि आपने इस वन यूनिट को बहुत अच्छे से देखा, सुना और समझा होगा कि इसमें कितना ही शानदार काम किया है। तो मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।